मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि जमालपुर से अगर भाजपा की कामयाबी को कोई रोक सकता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अगर भाजपा को कोई रोक सकता है जमालपुर से कामयाब होने के लिए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो इसीलिए आप मुत्तहिदा तौर पर यूनाइट होकर इत्तेहाद को मजबूत करके आप मजलिस को वोट दीजिए। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि भाजपा को हराइए। यहां से मुकाबला जमालपुर में, मुकाबला मजलिस का और बीजेपी का है, मुकाबला ओवैसी का और मोदी का है। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप ओवैसी को कामयाब करेंगे या भाजपा को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट का नुकसान मत करिए, अपने वोट का नुकसान मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे जरा सी गलती हो जाए और उसके बाद आप याद रखेंगे मेरी तकरीर के अल्फाज को, अरे एक दीवाना आकर हमसे कह रहा था, हमने उसकी बात का यकीन नहीं किया। आप एक मरतबा असदुद्दीन ओवैसी की बात का यकीन करिए। जमालपुर में आप देखेंगे कि कैसे तेजी से डेवलपमेंट का और विकास का काम होगा। मैं जानता हूं साबिर काबुलीवाला साहब को, और साबिर काबुलीवाला साहब भी मुझे जानते हैं कि जब मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूं तो उनको चैन से बैठने नहीं दूंगा। आप कामयाब करो साबिर भाई को, मैं साबिर भाई को चैन से नहीं बैठने दूंगा। साबिर भाई आप ही के गली कूचों में फिरते रहेंगे, आते रहेंगे, और महीने में कम से कम दो मरतबा मैं इसी इलाके में आऊंगा। और हमारे भाई जो बल्दिया के इलेक्शन लड़े थे मगर 100 वोट से वो नाकाम साबित हुए, हबीब भाई इमामुद्दीन शेख साहब, वो और हम मिलकर साबिर भाई का जीना हराम कर देंगे। एक बार आप कामयाब कर दो इनको, साबिर भाई को खूब काम कराएंगे। साबिर भाई को हम बाउंसर मारने नहीं देंगे, साबिर भाई को यहीं बिठाकर आपका काम करवाएंगे। और आप बोलेंगे कि हाँ, जो हमसे वादा किया गया था वो पूरा हुआ।